शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज कई मोर्चों ने अपनी विविध मांगों को लेकर दस्तक दी है, जिसमें खास तौर पर अंबेडकरी जनता की ओर से अपनी मांग को लेकर भव्य मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भेंट दी है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा जो है शीत सत्र के दूसरे दिन जो है मोर्चा निकाला गया है अपनी मांगों को लेकर। हम जानते हैं कि क्या मांगे हैं आपकी खास तौर पर। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जो कर्मचारी अधिकारी है कार्यरत सेवानिवृत्त और जिनको कुटुंब निवृत्त वेतन मिलता है, वो सब कर्मचारी पहले शासन का ही एक अंग थे, लेकिन सन 1979 से लेके हमको बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। और जब से बोर्ड में डाला गया तब से हमको उस वक्त कहा गया था कि आप सबको शासकीय कर्मचारी को जो भी सेवा सहूलत मिलती है वो सभी आपको मिलेगा, पगार भी वही मिलेगा। लेकिन उसके बाद में हमको बोर्ड का करके कह के हर आर्थिक लाभ देने के लिए नकारा गया है। उसके बारे में 2017 में हमने एक आंदोलन किया था, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, अर्थमंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहब, इनसे हमारी बातचीत हो गई और वो संप के वाटाघाटी में हमारी ये मान्य किया गया शासन द्वारा कि 2017 से आपको शासकीय दर्जा दिया जाता है और इसकी कार्यवाही स्वतंत्र रूप से की जाएगी। लेकिन आज 5 साल हो गए, 5 साल से अभी भी वो मांगनी की नहीं है, मतलब मांगनी हमारी पूर्ण नहीं हुई है, हम वो शासकीय दर्जा अभी तक दिया गया नहीं है। तो ये जो हमारी प्रमुख मांगनी है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनको शासकीय दर्जा देना चाहिए। शासकीय दर्जा की मांग की गई है, और कौन सी मांग है कि जो शासकीय दर्जा जो मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हमको जो भी आर्थिक लाभ मिलता है सेवानिवृत्ति के हो गया कर्मचारी को, वो वित्त विभाग के परमिशन लेना पड़ता है। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि शासन निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि ये शासकीय कर्मचारी है, वो शासकीय कर्मचारी का स्वतंत्र जो आदेश है वो निकाला नहीं गया करके हमारे आर्थिक लाभ सब रुके हुए। अभी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की कदम क्या होगा? कदम तो ये है कि ये तो अन्याय। अभी तो मुख्यमंत्री साहब और उपमुख्यमंत्री साहब, इनको सबको मालूम है, जिस दिन हमने पहले 17 में किया था उनसे हमारी उम्मीद है कि वो मिल जाएंगे, क्योंकि आधा दिया है, आधा देने का है तो 100% हो जाएगा। उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो आज़ाद मैदान में बजट अधिवेशन में हम उपोषण में बैठने वाले। तो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा जो मोर्चा निकाला गया, मांगे पूरी ना होने पर आज़ाद मैदान पर भव्य मोर्चा निकाला जाएगा, ऐसा इशारा भी दिया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मौर्य के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।